5 जून एक ऐसा दिन जिसे सभी विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में जानते और मनाते हैं। आपको बता दें कि आज ही के दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्म हुआ था, जिनके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सिटी वेब परिवार की ओर से उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को पिचूर गाँव यमकेश्वर तहसील पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में एक राजपूत परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम आनंद सिंह बिष्ट और माता का नाम सावित्री देवी है। योगी जी ने सन 1977 में टिहरी गढ़वाल के गजा के स्कूल से अपनी शिक्षा की शुरुआत की। सन 1989 को इन्होंने ऋषिकेश के भरत मंदिर इंटर कॉलेज से 12th पास की और सन 1992 में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से इन्होंने गणित में बीएससी की और इसी कॉलेज से एमएससी भी की। सन 1993 में योगी जी गोरखपुर आए और यहाँ उनकी मुलाकात गोरखनाथ मंदिर के महंत अवैधनाथ जी से हुई। महंत अवैधनाथ जी इनके जानकार थे। योगी जी ने अवैधनाथ जी से दीक्षा ले ली और सन 1994 सन्यासी बन गए, जिसके चलते इनका नाम अजय सिंह बिष्ट से बदलकर योगी आदित्यनाथ रख दिया गया। महंत अवैधनाथ जी की मृत्यु के बाद योगी जी को गोरखनाथ मंदिर का महंत बना दिया गया। गोरखनाथ मंदिर के महंत की गद्दी का उत्तराधिकारी बनने के बाद 4 साल बाद ही योगी आदित्यनाथ को राजनीतिक उत्तराधिकारी भी बना दिया गया। गोरखनाथ से महंत अवैधनाथ 4 बार सांसद रहे। उसी सीट से योगी 1998 में 26 वर्ष की उम्र में लोकसभा पहुंचे और फिर लगातार 2017 तक 5 बार सांसद रहे। वहीं आपको बता दें, सियासत में कदम रखने के बाद योगी आदित्यनाथ की छवि एक कठोर हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर भी उभरी। योगी आदित्यनाथ ने अपने निजी सेना हिंदू युवा वाहिनी का निर्माण किया, जो कि गो सेवा करने व हिंदू विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए बनाई गई है। योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी खासियतों में से एक है कि वह जनता से सीधा संवाद करने में विश्वास रखते हैं। 2017 में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला तो सीएम के लिए कई चेहरे दावेदार थे, लेकिन बाजी योगी के हाथ लगी। योगी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने फैसलों से अपनी राजनीतिक इच्छा को जाहिर किया। सीएम योगी आदित्यनाथ की पहचान देश के उन सख्त छवि वाले मुख्यमंत्रियों में से की जाती है, जो कि उपद्रव और किसी भी प्रकार की अराजकता की स्थिति में सख्त फैसले ले सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना के संकट काल में एक सख्त प्रशासक के रूप में उभरे। ऐसी ही खास खबरें लेकर हम एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।